वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम टाटा मोटर स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं, लेटेस्ट अपडेट ऑन न्यूज यहाँ पे चेक करेंगे। तो टाटा मोटर्स 429 पे ट्रेडिंग कर रहा है, 6 पॉइंट की गिरावट, 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिले टाटा मोटर्स में। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे कि कोई खास न्यूज है क्या टाटा मोटर्स के लिए। तो देख सकते हैं कि तकरीबन टाटा मोटर्स और नंबर टू स्पॉट देखा जाए तो कोई खास अपडेट भी आपके सामने नहीं दिखाई दे रही टाटा मोटर्स के लिए। तो आज के दिन की बात की जाए यहाँ पे टाटा मोटर्स की, तो देख सकते हैं कि स्टॉक में यहाँ पे गिरावट देखने को मिले। 430 लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल थी उसको ब्रेकआउट दिया है। ओपन तो देख सकते हैं कि आज फ्लैट ओपन हुआ था, पर जैसे ओपन हुआ स्टॉक यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर सेटल नहीं हो पाया तो गिरावट देखने को मिले। और रिसेंटली देखा जाए तो 430 लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल थी उसी को ब्रेकआउट देकर उसी के नीचे ट्रेडिंग करा है स्टॉक। मार्केट कैप देखोगे तो 1.55 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, स्टेबल है। पिछले 5 दिनों में तेजी दिखाई दी, 440 लेवल पे रजिस्टर लगा, फिर आज गिरावट देखने को मिले। वॉल्यूम की बात देखेंगे तकरीबन 37 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है टाटा मोटर्स में। आज ट्रेडेड वैल्यू जो है 16,114 लाख की ट्रेडेड वैल्यू है। मीन्स यहाँ पे बाइंग के लिए 8 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए 14 लाख। तो सेलिंग का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा ही दिखाई दे रहा है आज के दिन में यहाँ पे देखा जाए तो। सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन भी देखे जाए तो देख सकते हैं कि तकरीबन 26 लाख में से 17 लाख क्वांटिटी डिलीवरी जा चुके हैं। मीन्स टोटल 66% क्वांटिटी जो है नेक्स्ट डे होल्डिंग के लिए चले गए। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन जो है जो कि 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आप देख सकते कि रजिस्टर ले रहा था स्टॉक। देख सकते कि यहाँ पे ब्रेकअप भी किया था, ब्रेक करने के बाद ऊपर सेटल नहीं हो पाया तो आज फिर से ब्रेकआउट दे रहा है। इसी ब्रेकआउट में देख सकते कि तकरीबन जो 430 लेवल जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उसको भी ब्रेकआउट देता है स्टॉक। मंथली पीरियड भी उसी लेवल पे, तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के जो चांसेस है वो ज्यादा रहेंगे 430 लेवल पे। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए।